मीडिया। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सबका, आप देख रहे हैं ट्रू मीडिया और हमारे खास प्रोग्राम एक मुलाकात में। आज हमारे साथ हैं सोनोटेक कैसेट्स कंपनी के फाउंडर डायरेक्टर हंसराज जी। सोनोटेक कैसेट कंपनी आज एक ब्रांड कंपनी के तौर पर जानी जाती है, तो कैसे हंसराज जी ने ये सोनोटेक कैसेट कंपनी को आगे बढ़ाया, कैसे इसकी स्थापना की और कैसा रहा उनका सफ़र, आज हम इस बारे में उनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हंसराज जी, सोनोटेक कंपनी की स्थापना के पीछे क्या विचार रहा आपका? सभी दर्शकों को पहले तो ट्रू मीडिया और सोनोटेक की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी नया साल की भी आप सबको बहुत बहुत बधाई, आप सबके लिए खुशियां लाए। सोनोटेक का एक जो बनाने का विचार था कंपनी का, ये प्लेटफार्म दिया गया नए आर्टिस्टों के लिए। इससे पहले एक मैना कंपनी के नाम से हमने हरियाणा में लॉन्च की थी मैना, और सबसे पहले मैना बनाई गई थी। मैना कंपनी के बाद ही सोनोटेक कंपनी बनी है और इसमें नए कलाकारों के प्लेटफार्म के लिए बनाई गई है। सर, अगर नए कलाकारों की बात करें तो जो सोनोटेक कैसेट कंपनी है वो अधिकतर देहाती कलाकारों पर फोकस ज़्यादा करती है, तो इसके पीछे क्या विचार है? बिल्कुल प्रवीण जी, ठीक कहा आपने। अब जितने भी देखते हैं कि बॉम्बे और कलकत्ता या पूना, इधर ही बंगलोर, इधर ही बड़े बड़े आर्टिस्ट या उनको काम मिलता था और यहाँ पे कोई प्लेटफार्म नहीं था। जो यहाँ पे हमारे देहात में जितने टैलेंट देहात में ही बहुत है, हमारे कल्चर में है, हमारे देहात में है, उनको बाहर लाने की ज़रूरत है। बस जो बाहर लाएंगे तो उनका भी वो भविष्य उज्ज्वल होगा और वो आज उनमें से जाके ऊपर जाते हैं। यही एक जैसे मैट्रिक होता है, मैट्रिक पढ़ता फिर इंजीनियर बनता है, से पहली प्लेटफार्म है रीजनल में, इनको सपोर्ट मिलती है तो आगे बड़े अच्छे कलाकार बनते हैं। हंसराज जी, एक निर्देशक के तौर पर जब आप किसी देहाती कलाकार को लॉन्च करते हैं तो कि उसकी किन प्रतिभाओं का आप सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं? मैं बताऊँ प्रतिभाओं में क्या होता है, एक होता है सिंगिंग कि कैसे गाता है, एक होता है लिखने वाला, एक होता है म्यूजिक डायरेक्टर है। म्यूजिक हम सब प्रतिभाओं को देखते हैं, अच्छा डांसर है, अच्छा गीतकार है, सब प्लेटफार्म उसको मिलते हैं। अच्छा गीत लिखता है तो उसको भी देते हैं प्लेटफार्म, अच्छा म्यूजिक बजाता है उसके लिए भी है, अच्छी एक्टिंग करता है तो उसके लिए भी है। मैं आपको बताऊँ कि फिल्मों का जो निर्माण किया था, देहाती फिल्मों का जो निर्माण किया था, यहाँ पे मॉलीवुड जैसे है, बॉलीवुड की तरह यहाँ पे भी जैसे निर्माण, यहाँ पे बहुत उत्तर भारत में फिल्मों का निर्माण हुआ। पहले हमने काफ़ी फिल्में बनाई थी जो ओरिजिनल मूवी थी, पूरे ही कलाकार गांव देहात के होते थे और गाँव देहात में जाके शूट करते थे और लोगों ने बहुत उसे पसंद भी किया। सर, सोनोटेक कंपनी आज एक ब्रांड है, तो जो आपका सफ़र रहा है सोनोटेक कंपनी की स्थापना से लेके ब्रांड इसको बनाने तक का, तो कोई ऐसे यादगार लम्हे हैं जो आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? मैं किसान का बेटा हूं और मैं आपको सबको ये कहता हूं, यादगार तो ये है कि आपने भविष्य के लिए किसी को अच्छा करने के लिए आप में आमदा होनी चाहिए, आप में एक जज्बा होना चाहिए तो आप अच्छा कर सकते हैं। और मेरे में ये जज्बा था कि मैं कलाकारों को एक मंच पे इकट्ठा करूं पूरे उत्तर भारत में, यानी हरियाणा, यूपी, राजस्थान, एमपी और पंजाब, सभी स्टेट के यहाँ पे कलाकार उनके साथ काम करते हैं और उनको सबको प्लेटफार्म मिलता है। हंसराज जी, आपके द्वारा लॉन्च एक कलाकार सपना चौधरी एक ब्रांड है खुद में और अभी हाल ही में वो बिग बॉस में रहकर आई हैं, तो जब आपके द्वारा लॉन्च किया कोई कलाकार इन बुलंदियों को छूता है तो कैसा महसूस करते हैं? नहीं बिल्कुल, मैंने पहले बोला कि हमारे गांव में, हमारे कल्चर में बहुत अच्छा टैलेंट है, उन लोग टैलेंट को प्लेटफार्म की ज़रूरत है। सपना भी एक उदाहरण है, इससे अच्छा और भी उत्तर कुमार है और विजय वर्मा है और भी काफ़ी हैं, जितने कलाकार हैं उन्होंने बड़ा अच्छा प्लेटफार्म मिला है, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, अच्छी फिल्में बनाई हैं, अच्छा उन्होंने करके दिखाया है। और हमारा इस जज्बे को उन्होंने ही माना है, बॉम्बे के लोगों ने भी, कि यहाँ पे एक टैलेंट बहुत अच्छा होता है। और सपना तो एक उदाहरण है, आप सब भी कर सकते हैं, कोई भी आज आर्टिस्ट आता है उसको हम सपोर्ट करते हैं, वो भी आगे बढ़ सकते हैं, इससे भी आगे जा सकते हैं। सपना तो बिग बॉस तक भी गई है, उसे आगे अभी उसकी फिल्में भी आने वाली हैं और वो और भी बच्चे भी काफ़ी आ रहे हैं जो अच्छा टैलेंट कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। हंसराज जी, सोनोटेक कंपनी की आगामी योजनाएं क्या हैं? हम बहुत जल्दी, पहले फिल्में उतारते थे, अभी फिर दोबारा से फिल्मों का, अभी हरियाणा सरकार ने एक और सपोर्ट की है कि फिल्म उद्योग उसमें बनाया है बोर्ड एक अलग से, उसका ही उद्घोष होने वाला है, तो थिएटर की फिल्में भी अब जल्दी ही आपको देखेंगे, सोनोटेक के बैनर तले जल्दी आएंगे। पहले भी निर्माण किया है हमने फिल्मों का, बीच में कुछ थिएटरों की वजह से यहाँ पे नहीं लगती थी, कम अर्निंग होती थी या उसकी लागत पूरी नहीं होती थी, बीच में छोड़ दिया था, लेकिन फिर से अब सरकार भी सपोर्ट कर रही है और पब्लिक भी सपोर्ट कर रही है, दोबारा से फिल्मों का निर्माण करेंगे जो थिएटर पे आप सब लोग देखेंगे।
सर, एक निर्देशक के तौर पर आप जो नवांकुर कलाकार हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे ट्रू मीडिया के माध्यम से? ट्रू मीडिया के माध्यम से एक मैं कहना चाहूँगा, आप अपने काम पे फोकस रखिए। आप काम पे फोकस रखते हैं, जब इधर उधर भटकते हैं तभी आपकी वो सफलता नहीं मिलती। कोई भी आर्टिस्ट कलाकार किसी भी काम के प्रति अपने काम पे फोकस रखें, जब काम पे फोकस रखें तो बिल्कुल सफलता हाथ लगेगी। हंसराज जी, आपके आगामी प्रोजेक्ट्स के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं प्रवीण जी, कौशिक जी, आपका भी और ट्रू मीडिया का और सोनटेक कंपनी और मैना कंपनी की तरफ से आप सभी को हार्दिक बधाई। हेलो फ्रेंड्स, ताजा एवं मनोरंजक खबरों के लिए ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बराबर में जो घंटी का निशान है उस पर क्लिक कर लेंगे तो सभी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।